हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आप जानते हैं कि आज हम लोग आए हुए हैं खेत में घूमने के लिए, जहाँ पर हम आपको आज हमारे खेत में क्या क्या बोया गया है वो सब चीज़ दिखाएंगे। तो देखिए, पहले हम आते हैं तो हमें ये दिखता है, ये बथुआ है। इसका नाम देखिए, कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये बथुए। फिर अब आप देखिए गाइस, गलती से बथुए को चना बोल दिए हमने। अब हम चलते हैं अपने प्याज के पास। तो देखिए, ये हमारा प्याज जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो कि देख ले सकते हैं आप। ये पूरा ऐसे बोया हुआ है, पूरा बहुत दूर तक गया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मटर बोया गया है, जो अब खाली हो गया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं घासों के पास। तो ये देख लीजिए, ये घास अब सूना हो गया है, क्योंकि अब इसे कोई नहीं खाएगा, क्योंकि अब हमारा खरगोश नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे खरगोश को कुत्ते ने उठा लिया गया। गाइस, बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारा खरगोश अब नहीं रहा। तो गाइस देख लीजिए, इतना दुख हो रहा है, इतना मैं रोई, और गाइस पता भी नहीं वो कहाँ गया है। तो गाइस देखिए, अब मैं जा रही हूँ आप लोगों को दूसरे वाले खेत में लेके जाने। रहर है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और एकदम ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह है। अब हम आपको अपना दूसरा चीज़ दिखाते हैं। आगे देखिए, ये सरसों है, इसे सरसों बोलते हैं। देखिए, हमारे सूरज भगवान अभी चमक रहे हैं, क्योंकि और आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा गाइस, ऐसा नहीं कि आपका सपोर्ट आप लोग छोड़ रहे। देखिए कितना सुहाना मौसम है, और हम लोग खेत में घूमने के लिए आए हुए थे। आप लोगों को तो मैंने पहले ही बता चुके हैं, आप लोग दादी से मिलना चाहते हैं तो मैं अभी मिलाऊंगी, लेकिन कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन मेरी दादी से मिलना चाहता है। ये घास कितने सूने सूने लग रहा है, इन्हें काटने वाला कोई नहीं है, मगर ये भैंस खा जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये सिर्फ खरगोश के लिए बोया गया था गाइस, लेकिन अभी ये घास भी रो रहा है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये रोता नहीं है, मगर मैं ऐसे ही बोल लोग आ चुके हैं अपने दादी के पास। दादी सबको हाय बोलो। हाय।